Hi guys, namaste. Welcome back to my channel and I'm Suman. Years as a nutritionist, मैं इस फील्ड में हूँ एंड मैंने पिछले 7 साल में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं. एंटी डिप्रेशन पिल्स लेते हैं, जो एंटी एनजाइटी पिल्स लेते हैं, जो पूरा दिन का डाइट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दी एनजाइटी. वो पूरा दिन का डाइट करते 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 रात को सब कुछ स्पॉइल कर लेते हैं एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उनका वेट गेन होता है. वेट गेन होने का मेन रीज़न जो मुझे यहाँ पे लगता है वो है पुअर लाइफ स्टाइल के साथ साथ, बैड फूड हैबिट्स के साथ साथ आपका ओवर थिंकिंग एंड मेंटल हेल्थ. नाउ मेंटल हेल्थ आज के टाइम में ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टक समवेयर, लाइक किसी आप बुरे रिलेशनशिप में हो, फैमिली में डिस्प्यूट्स हैं, करियर में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, करियर लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आप अपनी बॉडी से हैप्पी नहीं हो, आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर रहे हो, उसके अलावा कुछ और कर रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ों में आप फंसे हुए हो, किसी पर्सन की कही हुई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, किसी पर्सन ने आपको कुछ टॉन्ट कर दिया, उस चीज़ को आप बहुत दिनों तक लेकर बैठे हुए हो, या फिर आपका ओवर थिंकिंग का लेवल इस लेवल तक पहुँच चुका है कि आप पल्पिटेशन में हो, एनजाइटी है, आपको डिप्रेशन चढ़ रहा है, किसी ने आपके लुक्स पे कुछ बोल दिया, किसी ने आपके फिगर पे कुछ बोल दिया, किसी ने आपके मोटापे पे टॉन्ट कर दिया, या आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा वर्स चल रहा है, या आप किसी बैड मैरिज और रिलेशनशिप में हैं, तब जाके एनजाइटी का लेवल इस लेवल तक आता है कि आप खुद को लूज कर चुके होते हो, बिल्कुल गायब कर चुके होते हैं. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जब सारा गेम बिगड़ चुका होता है, जब आप 100 kg पे जंप कर चुके होते हो, तब जाके आपको रियलाइज़ होता है यार ये मैंने क्या कर दिया. मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस है. ये वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से आया, कल मैंने अपनी एक क्लाइंट एनरोल करी है पुरानी, 2-3 साल पुरानी. शी वॉज लाइक 99 पे थे या कुछ 100 पे थे, शी लॉस्ट 60 kg पे आ गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ द एनजाइटी एंड ओवर थिंकिंग. शी इज़ लाइक हार्डली 27-28 ईयर्स की लड़की है वो, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द एनजाइटी एंड ओवर थिंकिंग शी अगेन जम्प फ्रॉम 60 to 100 इन 2 ईयर्स. जम तो उसका हो ही गया था बहुत जल्दी ही, क्योंकि वो इतना ओवर ईट कर रही थी, इतनी ज़्यादा एनजाइटी में ओवर ईट कर रही थी, एंड रीज़न इज़ लाइक नथिंग. अगर आप लोगों की लाइफ में भी एनजाइटी का प्रॉब्लम है, उसको क्योर करेंगे, उसको सोचेंगे, उसको समझेंगे कि उसको कैसे क्योर करना है, आगे कैसे निकलना है, या तो आप सॉल्यूशन पे जाओ या तो आप ओवर थिंकिंग बंद करो. अगर उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकल रहा है देन गुड, अगर नहीं निकल रहा है देन ओवर थिंकिंग को हम टाटा बाय बाय ख़त्म करेंगे. आज के वीडियो में मैं एक ऐसा बहुत अच्छा सा मिल्क शेक लेके आई हूँ विच इज़ लाइक डेरी फ्री मिल्क शेक. कोई भी बंदा उसे ले सकता है अगर आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम सिटिंग हियर और मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा कुछ गलत चीज़ें सोच रही हूँ और मेरे दिमाग में बादल बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो फूंक मार के उस बादल को हटाना है, राइट? सो फूंक कैसे मारनी है, जिस जगह पे आप बैठे हो, जहाँ पे आपका नेगेटिव ऑरा हो रहा है, वहाँ से खड़े होकर आप अपनी जगह चेंज कर लो, कुछ देर के लिए बिल्कुल हट जाओ, उस एरिया में मत आओ जहाँ पे बैठ के आपको ओवरथिंकिंग आ रही है, बिकॉज वो नेगेटिविटी चारों तरफ हो चुकी है. मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी मेरा द मोस्ट फेवरेट एंटी एनजाइटी लाटे. इतना अच्छा ये मिल्क शेक है, इतना अच्छा मिल्क शेक है, इसको लेकर आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपका जो मूड है, मूड बिल्कुल ख़राब है, वो अच्छा हो जाएगा. एंड विंटर्स हैं, कोजी विंटर्स में अगर वो ड्रिंक आप लेते हो, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आपका मूड ठीक हो जाएगा. एंड उसके अंदर जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सब के सब आपके मूड को लेकर टेक केयर करके मैंने डाले हैं, वो सारे के सारे आपके हॉर्मोन्स को पूरा बैलेंस करेंगे, शांत करेंगे एंड उसके बाद आपको सुला देंगे. ये ड्रिंक कैसे बनानी है चलते किचन में. ओके, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं. इसमें क्या है, मेरे पास 2 अंजीर, 3 खजूर, 2 अखरोट, 5 से 6 बादाम और 3 से 4 किशमिश. इन सबको हम 5 मिनट के लिए गर्म पानी में ढक कर रख देंगे फॉर 5 मिनट्स. नेक्स्ट ये रहे हमारे पास ओट्स, 1 चम्मच, 2 चम्मच एंड 3 चम्मच. 3 चम्मच जितने हमें ओट्स चाहिए, ये 1 पर्सन के लिए हम बना रहे हैं. इसके अंदर हमने डाल दिया हमारा 1 गिलास जितना पानी और अब हम इसे ब्लेंड करके बनाएंगे हमारा ओट मिल्क. अब हम सेम ब्लेंडर के अंदर ही बिना पानी के, ये जो गर्म पानी में हमने अपने सारे नट्स सोख कर रखे हैं विद छिलका इवन, इन सबको हम ब्लेंड करेंगे. खजूर से हमने सारे सीड्स रिमूव कर लिए हैं. नेक्स्ट सबसे पहले इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा ओट मिल्क विद ओट्स. हमें इसको स्ट्रेन नहीं करना. हम
हल्का सा जैसे ये गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम अपना मिक्सचर डालेंगे, हमारे ड्राई फ्रूट्स का ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर। बहुत अच्छे से फ्लेवर के लिए इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा वनीला पाउडर, आप वनीला एक्सट्रैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट पिंच, और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे, बहुत 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 अच्छा फ्लेवर आता है इससे। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी सौंफ और इलायची का पाउडर, जस्ट अ पिंच, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसको प्रॉपर बॉईल नहीं करेंगे, हल्का सा जैसे ये गरम हो गया एंड इट्स रेडी, इसको अब हम बंद कर देंगे। वेलकम बैक। एंड अगर आप लोगों को एंटी डिप्रेशन वाली चीज़ें चाहिए, एंटी डिप्रेशन की पिल ले रहे हो, एंटी डिप्रेशन की कोई दवाइयाँ चल रही हैं, एनजाइटी की दवाइयाँ चल रही हैं, देन मेक श्योर यू आर हैविंग दिस वाला शेक एंड आप उसको लो एंड उसके बाद आप सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग आपका वेट भी गेन नहीं होगा, आपका थोड़ा सा चेंज होगा एंड उसके साथ साथ आपके मूड जो है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट करेगा। जिन जिन लोगों को एनजाइटी एंड डिप्रेशन है ना, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अपनी बॉडी से हेट करने लग जाते हैं। पहले वो बॉडी को वर्स करेंगे, खिलाएंगे बॉडी को, गंदा खाना देंगे, गंदा फीड करेंगे अपनी बॉडी को ना, गलत गलत चीज़ें खाओगे, उसके बाद जब आपकी बॉडी बिल्कुल फैल जाएगी देन यू आर ब्लेमिंग योर बॉडी कि भैया मेरा शरीर इतना ख़राब है मैं कुछ भी नहीं खा सकती। रियलिटी ये आप खुद से झूठ बोल रहे हो, आपने बहुत कुछ खाया है, बहुत ज़्यादा कुछ खाया है, मैं तो दो रोटी खाती हूँ मेरा वेट बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज़ लाइक आप अपने मन की तसल्ली और अपने आप को झूठ बोल रहे हो, दिस इज़ अ रियलिटी, यू आर ईटिंग वर्स टू वर्स टू वर्स चीज़ें, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं जिन जिन लोगों को ओवर थिंकिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ओवर एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा चलते हैं। एक चीज़ आती है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर इज़ नॉट अबाउट लूजिंग अ वेट, सेल्फ केयर इज़ ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर बाल, अपनी स्किन, अपने आप का, अपनी चीज़ों का, अपने एक्सेसरीज़ का, अपने बैग्स का, अपने कपड़ों का, आप अपनी सारी चीज़ों का ध्यान रखो। जब आप इतने व्यस्त हो जाओगे अपनी चीज़ों का ख्याल रखने में, आई एम श्योर आप लोगों के पास एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग का टाइम भी नहीं होगा। आपकी एंग्जाइटी चल रही है, आप दूसरों को एंग्जाइटी दे दो वो बहुत अच्छी बात है, बट आप खुद से एंग्जाइटी मत लो। जितना ही जल्दी आप दूसरों को एंग्जाइटी दोगे, दूसरों को एंग्जाइटी कैसे दी जाती है, किसी को कुछ गलत नहीं करना, हमने हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुद पे अच्छा काम करना है, खुद को अच्छी चीज़ें लाइफ देनी है। आज का टाइम ऐसा, कोई किसी को देख कर हैप्पी नहीं होता, बहुत रेयर लोग होते हैं। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको देख के हैप्पी हो रहे हैं देन यू आर द मोस्ट लकीस्ट वन, बट अगर आपको किसी सामने वाले को एंग्जाइटी देनी है देन देयर इज अ सिंपल थिंग, डू गुड इन योर लाइफ, लुक गुड, बी गुड, फाइनेंशली इंडिपेंडेंट, आप सामने वाले को एंग्जाइटी दे दोगे। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल एंड मेक श्योर अगर आपको अब एंटी डिप्रेशन और एंटी एंग्जाइटी की पिल लेने की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, हाथ पैर धक 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 कांप रहे हैं, खड़े हो जाओ अपनी जगह से एंड मेक द शेक एंड हैव इट एंड गो फॉर अ स्लीप। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल, सो ये वीडियो शेयर करेंगे एज मच एज यू कैन, स्पेशली उन लोगों के साथ जिन जिन लोगों को एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है। आई सी यू सून, टेक केयर जी, बाय बाय।